अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीजारा। 15 नवंबर 2023 के अख्ताम में इश्यूज तो बहुत थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सब के लिए सबसे जो अहम और इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि शेख रशीद अहमद को कसूने राइट साइड से मारे गए या लेफ्ट साइड से मारे गए, शेख रशीद अहमद साहब को थप्पड़ मारे गए या घूंसे मारे गए, शेख रशीद की पसलियों के ऊपर घूंसे मारे गए या शेख रशीद की पतलून उतार के उसको पीछे से छत्तर मारे गए, शेख रशीद का जब चिल्ला काट रहा था तो फरिश्ते आके शेख रशीद के दिलो दिमाग पे काम कर रहे थे, या कोई परियां उनकी ऐसी थी जो आके शेख रशीद साहब के दिलो दिमाग से जो है वो खेलती थी। ये वो तमाम डिबेट है जो गुज़श्ता 12, 14, 18 घंटे से मैं पाकिस्तान के बहुत से टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, बहुत से वीलॉग्स के ऊपर देख रहा हूँ। एक तो बड़ी सोनी शक्ल का एक हैंडसम एंकर है जिसको मैं जब देखता हूँ तो मेरे जहन में आता है कि दिस इज दी पर्सोनिफिकेशन ऑफ मुनाफकत, यानी मुनाफकत को अगर कोई हैंडसम फेस किसी ने दिया है तो ये एक पर्टिकुलर एंकर पर्सन है जिसने अपना खासा टाइम इस चीज़ के ऊपर लगाया कि शेख रशीद अहमद को टॉर्चर नहीं किया गया, शेख रशीद अहमद ने फलां स्टेज के ऊपर झूठ बोला, शेख रशीद अहमद ने ये कह दिया। जरा सोचें, असल इशू ये नहीं है कि शेख रशीद अहमद को घूंसे मारे गए या थप्पड़ मारे गए, शेख रशीद अपने घर से खुद चला गया या परियां उसको उठा के ले गई। असल इशू ये है कि वो शख्स जो पाकिस्तान की सियासत का इतहाई पॉपुलर सियासतदान रहा है 1960s और 70s से, जिसने जो रावलपिंडी शहर की, जो पंजाब का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, उसकी सियासत में शायद ही कोई सियासतदान गुज़श्ता 20, 25, 30 बरस में इतना हरदिल अजीज, इतना मकबूल रहा होगा, जिसके साथ एक उसके साथ बात करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए ना सिर्फ लोग बल्कि पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्टर्स, एंकर पर्सन। ये वो शेख रशीद है जिसको हर हफ्ते लड़ाई होती थी टेलीविजन चैनल्स के अंदर कि मैंने आज शेख साहब का इंटरव्यू करना है, अब शेख साहब रेटिंग गिर गई है, शेख साहब का इंटरव्यू कर लेते हैं, शेख साहब के साथ टाइम ले लेते हैं, मैं शेख साहब से आपको टाइम दिला देता हूं। और जब शेख टेलीविजन चैनल्स में आया करता था तो 20-30 लोग, शेख निकल नहीं सकता था। मुझे याद है दुनिया न्यूज का प्लेटफॉर्म का स्टूडियो हो या GNN का स्टूडियो हो या ARY का स्टूडियो हो, सारी टीम इकट्ठी हो जाती थी शेख के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए। आपकी बेबसी का यह आलम है, आपकी जहनी पसमानदगी का यह आलम है कि आप डिस्कस कर रहे हैं कि शेख को थप्पड़ मारे गए हैं, ये नहीं मारे गए, घूंसे मारे गए हैं, टॉर्चर किया गया है, ये नहीं किया गया, खड़े होके उसने क्या कहा। ओ भाई, शेख ने क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस उम्र में जाके वो अपनी बेइज्जती करवाएगा, अपने पॉलिटिकल स्टैंड को तब्दील करेगा, क्यों इतनी अजीब अजीब बातें करेगा, क्यों बातें करते उसके रोने वाले हालात होंगे। अगर शेख की बातों पे आपको शक है तो सदाकत अली अब्बासी का क्या हो गया, फारूक हबीब के साथ क्या हो गया, उस्मान डार का क्या हो गया, आजम सवाती की क्या कहानी है, डॉक्टर शहबाज गिल की क्या कहानी है, सनम जावेद का क्या हुआ, खदीजा शाह किधर है। मुझे यू नो कई दफा, मैं सच्ची बात यह, मैं बाकी डेवलपमेंट से आने से पहले मैं एक एतराफ़ करना चाहता हूँ। मुझे ना अपने ऊपर भी बड़ा रोना आता है, मुझे आप सबके ऊपर भी बड़ा रोना आता है, बड़ा मुझे तरस आता है आप सबके ऊपर कि आप सब लोगों की जो जहनी कैपेबिलिटीज हैं, आप लोगों की जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं, साइंस ये शो करती है कि हर इंसान को, अनलेस कि कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, उसको तकरीबन वही जो 10 मिलियन जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसके दिमाग में होते हैं, तमाम बच्चे अपने राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इंटैक्ट लेके पैदा होते हैं। क्यों बाज़ कल्चर्स के अंदर उनका दिमाग डेवलप नहीं कर सकता और बाज़ कल्चर्स में उनके सोचने समझने की सलाहियतें बेहतर होती हैं। ये जो हजयानी डिबेट हुई है पिछले 12-14 घंटे में, जिसमें कुछ लोग तो कह रहे हैं कोई शेख की साइड से बोल रहा है, कोई दूसरी शेख के खिलाफ की साइड से बोल रहा है, ऑफ कोर्स शेख को टॉर्चर किया गया है। टॉर्चर सिर्फ दोनों का, मुक्कों का, घूसों का और रॉड से नहीं होता, टॉर्चर जो है वो जहनी भी होता है, टॉर्चर की कई शक्लें होती हैं। सनम जावेद के साथ जो हो रहा है उसमें क्या उसको थप्पड़ी मारेंगे तो टॉर्चर होगा, खदीजा शाह के साथ जो हो रहा है उसमें क्या उसको घुसूने मारेंगे तो होगा टॉर्चर होगा, मतलब क्या क्या ये मतलब हजयानी किस्म की मतलब डिबेट है। अगर आपके सामने कोई वीडियो आ जाए, अगर आप कल को ये देखें खुदा ना खास्ता कि आपके सामने एक वीडियो आ जाए जिसमें मैं कह रहा हूँ कि हाँ मेरे ख्याल है कि इमरान खान ने May 9th का स्क्रिप्ट बनाया हुआ था, इमरान खान ने हिंदुस्तान या इसराइल के साथ, मैं कन्विंस हो गया, मैं कन्विंस हो गया, मुझे ऐसी एविडेंस दिखाई गई है कि इमरान खान ने हिंदुस्तान, इसराइल, उज़्बेकिस्तान, अमरीका, रशिया या चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ साजिश की थी May 9th की। हाँ मैं कन्विंस हो गया, मैंने नई एविडेंस देखी है कि अगर उस्मान बुज़दार, बस उस्मान बुज़दार को अगर इमरान खान जी वजीर आला ना बनाता पंजाब का तो फिर उसके फौज के साथ ताल्लुक बड़े अच्छे रहते। हाँ उसकी जगह अलीम खान को बना देता, उसकी जगह परवेज इलाही को बना देता, जनरल बाजवा के किसी पोते नवासे, उसके किसी चाचे, उसके किसी मुंडे को, उसके किसी कजन, उसके किसी भतीजे को अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना देता तो पंजाब में दूध शहद की नहरें महने लग जाती, उसके हालात बड़े बेहतर हो जाते। जैसे कि 5 साल पहले वहां पर जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था तो दूध शहद की नहरें बह रही थी, उससे पहले जब परवेज इलाही था तो दूध शहद की नहरें बह रही थी, उससे पहले जब कोई और तो दूध शहर की नहरें बह रही थी, या अभी उसके बाद किसी और को लगा दें
अभी जो आपने बैठाया हुआ है केयरटेकर इंटरिम चीफ मिनिस्टर, तो अब दूध और शहद की नहरें बह रही, क्यों आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं, क्यों आप लोग इतने नादान हैं? मुझे शक है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुज़िश्ता पिछले एक महीने में सोचते रहे होंगे कि टनल्स में से, गाजा की टनल्स में से अचानक जो है हमास के गोरिल्लाज निकलेंगे और इसराइल की फौज को तहस नहस कर देंगे, ईरान और हिजबुल्ला मिलकर इसराइल को तबाह कर देंगे, चीन और रूस आ जाएंगे फलस्तीनियों की मदद करने के लिए और अमेरिका और इसराइल वहां से दौड़ जाएंगे। ये जो सारी फैंटेसी वर्ल्ड है जिसके अंदर आप रहते हैं, इसकी वजह यह है कि आपके कल्चर ने आपको एनालिसिस करना, आपको डॉट कनेक्टिंग करना, आपको चीज़ें जोड़ के समझना नहीं बताया जाता। आपको आपको हर चीज़ की एक हर का सारा ज़राए अबला जो है वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव डिटेल के ऊपर है कि शेख रशीद, ये उसकी एग्जांपल में दे रहा हूँ इसलिए मैं इसके ऊपर इतना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ कि शेख रशीद को थप्पड़ मारे गए या सूने मारे गए, छत्तर मारे गए या नहीं मारे गए, शेख रशीद सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, शेख रशीद की सारी कहानी, शेख रशीद का गुम होना, उसके चिल्ले की बात करना, एक महीने के बाद अपीयर होना, जिस तरह से शेख रशीद को जलील करके अंडर प्रेशर मुनीब फारूक के सामने उसका इंटरव्यू करवाया गया, जिस तरह से इवन मुनीब फारूक का पूरा कैरियर जो है उसके ऊपर एक डार्क शेडो जो है वो डाल दिया गया, ये सब चीज़ें बिल्कुल ऑब्वियस होनी चाहिए। इसके ऊपर क्या आपको डिबेट करने की ज़रूरत है? अगर आपको क्या मतलब, आपकी तो इस किस्म की मुझे लगता है जहनी, आप उन सबसे बात कर रहा हूँ जो ये सोच रहे हैं कि शेख रशीद के ऊपर टॉर्चर हुआ या नहीं हुआ, यानी अगर आपको ये पता चल जाए कोई बता दे, हाँ जी मुईद पीज़ादा की तो किसी ब्लॉन्ड लड़की के साथ बड़ी मोहब्बत थी, पुराना कोई दीना तालुकात थे, इसलिए पाकिस्तान से दौड़ के अमेरिका चला गया, नहीं वो तो हमेशा से CIA के लिए काम करता था, FBI जो कि पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो एजेंट होता था, अमेरिका का या सहयोगियों का एजेंट था, ताकि उसने इस उम्र में जब उसकी सब चीज़ें सेटल थी, जब उसको हाइएस्ट पॉसिबल एक्सेस थी, तो पाकिस्तान से एक सूटकेस लेके अपना छोटा 7 KG वाला पाकिस्तान से चला गया और आके अमेरिका में रहना शुरू कर दिया, जहां टॉयलेट खुद साफ करना पड़ता है, जहां सारी घर की खिड़कियां दरवाजे खुद आपको कारपेंटरी भी करनी पड़ती है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना पड़ता है, 18 घंटे काम करना पड़ता है सिर्फ जिंदगी का वजन उठाने के लिए, क्यों CIA का एजेंट था, क्यों FBI का एजेंट था, क्यों किसी दोशीजा के साथ मोहब्बत थी? और शहीद अरशद शरीफ जो कीनिया इसलिए चला गया होगा कि कोई कीनिया की काली दोशीजा जो थी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था, क्यों अपने आप को बेवकूफ बनाते? Why such stupidity जो है endless? आपके जो है ना, यही जो बेवकूफ़ी है, यही जो नादानी है, यही जो नादानी का सारा बेवकूफ़ी का जो एक सुपरफिशियल सतही डिस्कोर्स है, यही आपकी और पाकिस्तान की और हम सब की उस रियासत की तबाही का जिम्मेदार है। और जब तक इस बेवकूफ़ी के डिस्कोर्स से आप नहीं निकल सकेंगे, मेरी कम से कम ये कोशिश रहेगी, मुझे कोई पसंद करे नापसंद करे, PTA लाख जोर लगाए, वही PTA जिसने टीम्स बनाई हुई हैं स्पेशल इस वक्त पाकिस्तान में मेरे जैसे वीलॉगर्स को आइडेंटिफाई करके उनकी रीच को कम करने के लिए, जिसके बहुत से मैथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत सी ट्रेनिंग दी गई है, ये वही PTA है जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ब्रिलियंट जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने आज ही के दिन में गुज़िश्ता 24 घंटे में आके अपनी रिपोर्ट दी है, रिस्पांस दिया है, क्योंकि वहाँ एक केस चल रहा है कि फोन टैपिंग कौन करता है, किसके पास कैपेसिटी है। PTA ने कहा कि माई बाप तोबा तोबा तोबा, हम तो गूंगे बहरे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर फोन टैपिंग करना, सर्वेलेंस करना, और कौन इसको टैप करता है फोन को, कौन सुन सकता है, कौन इसको रिकॉर्ड कर सकता है, और कौन इसको निकाल के सोशल मीडिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। उस वक्त अगर मैं सोचता हूं कि वो जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पीछे छोटी सी सड़क है जहां पर जाके सारे रिपोर्टर वीडियो या अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं क्योंकि और कहीं मिलती नहीं है, वहां पर जो खवांचे वाला या छाबड़ी वाला है, वहां पर जो गार्ड खड़ा हुआ है, वहां पर जो समोसे वाला बेचने वाला है, वहां पर जो पीछे पाइपें बेचता है प्लास्टिक की, वहां जो छोले बेचता है, उसको भी पता है पाकिस्तान के अंदर फोन रिकॉर्डिंग टैपिंग कौन करता है और कौन ये ऑडियोज और वीडियोज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज करता है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग के अंदर नहीं पता चल रहा कि कौन टैपिंग करता है, ठीक है, PTA को नहीं पता कि कौन टैपिंग करता है, वही PTA जिसने टीम्स बनाई हुई हैं, ट्रेन करवाई हुई हैं, क्लैंडेस्टाइन टीम्स जिसके जरिए वीलॉगर्स के जो है रीच कम की जाती है, उसको वैसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर फोन टैपिंग जो है वो कौन करता है। तो प्लीज कम अज कम मेरा जो जिहाद है आप लोगों के साथ लड़ने का, और आप लोगों की ये जो एक सतही डिस्कोर्स है, मुझे पता है कि बहुत से लोग नहीं समझ सकते मुझे, लेकिन मेरी जो ये एफर्ट है और मेरी जो ये कोशिश है, मेरी जो जद्दोजहद है, यही मेरा जहाद है कि इसको हम जारी रखें। अब आज ही के दिन में डेवलपमेंट्स और भी बहुत सी हैं, शेख रशीद साहब की डेवलपमेंट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो डेवलपमेंट्स हैं, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल इज़्ज़त माब जनाब आमिर फारूक साहब ने एक हुक्म नादिर शाही इशू कर दिया
और ये हुक्म नादाशाही उन्होंने कैसे इशू किया कि उनके पास शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेल की पिटिशन थी और एप्लीकेशन थी उस पर उन्होंने फैसला साधा। पहले उसको उन्होंने सुन लिया हस्ब आदत हस्ब मामूल, पहले फैसला सुन लिया, फैसला महफूज कर दिया, फिर वो फैसला इसी शहर का एक दूसरा जो हिस्सा है वहाँ जो एक बड़ी कैपेबल किस्म की लीगल टीम है, फरिश्ते कहते हैं, लोग कहते हैं, वकला कहते हैं कि ऐसा ही होता है कि फैसले उनके सारे जो हैं वो एक शहर के दूसरे हिस्से में जाके सूंघ के एग्जामिन किए जाते हैं, फिर वहाँ से फैसला जो है वो तैयार होकर लोक पलक उसकी दुरुस्त होकर आती है। अब उन्होंने फैसला कर दिया इस हुक्म नादरशाही में, उन्होंने एक डिटेल जजमेंट लिख दी है बेल की एप्लीकेशंस के बारे में। एक आम ये कहा जाता है कि बेल रद्द करें या एक्सेप्ट करें वो छोटी सी, उसकी प्रोसीडिंग भी छोटी होती है और उसका डिसीजन भी आपने छोटा लिखना होता है, लेकिन उन्होंने एक डिटेल जजमेंट लिखी है जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट को, जिसको अबुल हसनात सुलकरनैन साहब हेड कर रहे हैं, जो स्पेशल कोर्ट है साइफर की, जिसकी बजाते खुद तश्कील के को कैसे क्रिएट हुई है वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मेंबर डिविजनल बेंच के सामने जेर बहस है। उस स्पेशल कोर्ट को इज्जत नाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये हुक्म दिया है, हुक्म नादरशाही दिया है कि 30 दिन के अंदर अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के मुकदमे जो हैं उनको वाइंड अप किया जाए। अब आप लोग इतने नादान और मासूम हैं कि वहां पर अगर कैपिटल पनिशमेंट भी दे दें तो आप यही कहते रहेंगे कि जनाब ये तो हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन जो है वो क्रॉस नहीं होनी। रेड लाइन्स मैटर नहीं करती, पावर डायनामिक्स किसी पॉलिटिक्स के अंदर मैटर करते हैं। ये जो फैसला है ये इतना अजीब गरीब उन्होंने फैसला किया है साइफर के केस के हवाले से। इससे पहले इमरान खान के जब उन्होंने बेल की जो पिटिशन थी उसको रद्द किया था ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर एक पिटिशन डाली थी जो अभी तक नहीं लग सकी। लेकिन वो जो पिटिशन उनकी है जिसके बारे में मैं एक से ज़्यादा वीलॉग में निशानदेही कर चुका हूँ, मैंने उसको बहुत एक्सप्लेन किया था कि बैरिस्टर सलमान सफदर की पिटिशन बहुत परसुएसिव है, बहुत ब्रिलियंट है, उसके जहाँ बहुत से और पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं साइफर केस के हवाले से, उसमें एक सिंगल पॉइंट ये भी है कि जब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान की बेल जमानत की दरख्वास्त को रद्द किया तो उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट लिखी, 4 पेज की उन्होंने जजमेंट लिख दी और 10 घंटे उसके ऊपर प्रोसीडिंग करते रहे और बजाते खुद ये कॉज है फॉर द रिजेक्शन ऑफ द डिसीजन, बिकॉज बेल की ना आप समाअत इतनी लंबी करते हैं, ना उसमें इतने घंटे लगाते हैं, ना इतना लंबा उसका डिसीजन लिखते हैं। लेकिन इस फॉर रीजंस ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो बेल एडमिट नहीं की, उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेंच बनाए और दूसरा डिसीजन कर दिया है आमिर फारूक साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल पिटिशन का एप्लीकेशन का फायदा उठाते हुए और 30 दिन का उसमें उन्होंने एक हुक्म दे दिया है और ट्रायल कोर्ट, और ये हुक्म उन्होंने इस तरह से दिया है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट की अपना फैसला करने की जो सलाहियत है वो उन्होंने छीन ली है। और अज़े राह मजाक उन्होंने इस दरमियान में ये भी लिख दिया है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, इज्जत के साथ ट्रायल होना चाहिए, और साथ ये भी लिख दिया है कि जेल के अंदर जो ट्रायल है वो कोई नेसेसरली ओपन ट्रायल को नेगेट नहीं करता, यानी आप ट्रायल जेल के अंदर छुप के कर रहे हैं, अभी तक ये भी मामला डिसाइड नहीं हुआ कि उसमें मीडिया की प्रेजेंस होगी नहीं होगी, लेकिन साथ उन्होंने लिख दिया है कि आपने उनको पूरी इज्जत के साथ जो है एक्यूज को बड़ी इज्जत से रखना है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के कंसर्न हैं और इमरान खान की तो अपनी फैमिली और खानदान जो है वो ये कहता रहा है कि हमें सिक्योरिटी के कंसर्न हैं, इसलिए यही ठीक है। मैंने अब से चंद घंटे पहले GVS के ऊपर एक दूसरी वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें मैंने बहुत ही तफसील, बहुत डिटेल, बड़ी मेहनत से, जो मैं देखता हूँ कि जितना ज़्यादा किसी वीडियो के ऊपर मेहनत की जाए, जितनी ज़्यादा उसके अंदर आप डेप्थ लाएँ, जितनी ज़्यादा उसके अंदर आप डिटेल दें, जितनी ज़्यादा उसमें करें उसे उतने ही कम लोग देखते हैं, लेकिन मैंने उसमें यह साबित किया था कि डिविजनल बेंच के एक ऑनरेबल जज साहब जो हैं उनका जो ये कमेंट है कि इंदिरा गांधी का ट्रायल तिहाड़ जेल के अंदर हुआ था और वहां पे मीडिया की परमिशन थी, ये मुझे बजाते खुद बड़ा खतरनाक कमेंट लगता है, बिकॉज उनके सामने जो पिटिशन है इमरान खान के वकला की वो तो ये है कि एक ओपन ट्रायल होना चाहिए, जेल की तारीकी में नहीं होना चाहिए, एक ओपन विजिबल ट्रायल हो जहां पाकिस्तान की पढ़ी लिखी पब्लिक, वकला, मीडिया सब आके ट्रायल को देख सकें, जहां प्रोसिक्यूशन अपने जब चार्जेस प्लेस करे तो एक्यूज के जो वकील हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वो उसका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे सकें, वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हो, वहाँ अगर जियो का कॉरेस्पॉन्डेंट हो तो साथ वाशिंगटन पोस्ट का भी कॉरेस्पॉन्डेंट हो, BBC का कॉरेस्पॉन्डेंट हो, डूशेवेले का कॉरेस्पॉन्डेंट हो, वहाँ पर डॉन का कॉरेस्पॉन्डेंट हो, वहाँ पर ट्रिब्यून का कॉरेस्पॉन्डेंट हो, लेकिन वहाँ पर जब जज साहब उसको तिहाड़ जेल के साथ कंपेयर करते हैं तो मैंने उस पर एक वीडियो की थी कि ये बहुत ही मिसलीडिंग रेफरेंस उन्होंने दिया है, क्योंकि बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर जब इंदिरा गांधी के कातलों का, पहली बात तो ये है कि से ज्यादा पाकिस्तान को तो पता ही नहीं है कि तिहाड़ जेल के अंदर मिसेस इंदिरा गांधी का ट्रायल नहीं हुआ था बल्कि इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद इंदिरा गांधी के कातलों का ट्रायल हुआ था। मैंने उसके ऊपर बहुत डिटेल व्लॉग किया था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये रेफरेंस, ये पॉइंट ही जो है ये बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है, उसको अगर आपको मौका मिले तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत डेप्थ है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। नाउ कमिंग टू दिस,
कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये डिसीजन कर दिया है कि 30 दिन के अंदर इस ट्रायल को वाइंड अप करें, इसको खत्म करें, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट जो है वो इसी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक 2-member डिविजनल बेंच के सामने हो रही है। चीफ जस्टिस जरूर चीफ जस्टिस होता है लेकिन 1-single-member बेंच के मुकाबले में 2-member डिविजनल बेंच सुपीरियर होता है, उसकी जो विजडम लॉजिक मंतक और अथॉरिटी होती है वो ज्यादा होती है। ये वही डिविजनल बेंच है जिसमें मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उसके साथ समन रफत साहब हैं, जिन्होंने 2 दिन का 16 तारीख तक के लिए 2 दिन का स्टे दिया था साइफर कोर्ट की प्रोसीडिंग के ऊपर। और उनके सामने जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नुकते उठे हैं, एक उसमें जेल के अंदर ट्रायल का है, दूसरा खुद ट्रायल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन उसकी तश्कील का है। और जो तश्कील का पॉइंट है वहां पर जो अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है मंसूर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि हमें कैबिनेट का नोटिफिकेशन, ये और बात है कि कैबिनेट का नोटिफिकेशन उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच को नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास कैबिनेट का एक नोटिफिकेशन है। तब उसके ऊपर जज साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर आपने अब कैबिनेट का नोटिफिकेशन हासिल कर लिया है, विच इज एज पर द मुस्तफा इम्पैक्स केस, जो मैंने आपको पिछले एक बहुत तफसील से मैंने आपको बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 2016 के अंदर यह फैसला किया जिसको मुस्तफा इम्पैक्स केस कहते हैं, कि फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट just the prime minister or any officer designated by the prime minister or delegated by the prime minister, but the federal government constitutes the prime minister and his ministers together as a cabinet. Prime minister or cabinet ka jo faisla hota hai usse federal government ka faisla mana jayega. Kyunki is case mein फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं, सिर्फ मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री इंटीरियर ने एक नोटिफिकेशन के जरिए ये साइफर की स्पेशल कोर्ट क्रिएट की थी, तो इसी चीज को वहां पर चैलेंज किया गया है। और जस्टिस आमिर फारूक ने आज के दिन में 15 member को इस स्पेशल कोर्ट को, जिसकी तश्कील और पैदाइश जो है वो अंडर क्वेश्चन है, जिसके बारे में सीरियस सवाल उठ गए हैं, और जिसको सवाल इतना कॉमन लॉजिकल है कि इसको बनना था विद अ कैबिनेट नोटिफिकेशन, इसकी कैबिनेट नोटिफिकेशन नहीं हुई, गवर्नमेंट का फैसला लीगली टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक नहीं है, और इस चीज का कोई जवाब अटर्नी जनरल जो है वो डिविजनल बेंच के सामने नहीं दे सके। उन्होंने इसके लिए वक्त मांगा, जब उन्होंने कहा कि जी कैबिनेट का ये ले लीजिए, हमारे पास कैबिनेट का नोटिफिकेशन है, दिखाया नहीं, वैसे उन्होंने उसका जिक्र किया, तो फिर वहां से जज साहब ने पूछा कि भाई कैबिनेट का नोटिफिकेशन तो अब आपने करवा लिया है, तो इसका इससे पहले जो इस साइफर कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है उसकी कानूनी हैसियत क्या रह जाती है, वो तो इसका मतलब खत्म हो जाती है, जिसमें मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि अगर इस लॉजिक को आप एक्सटेंड करें तो इसका मतलब यह है कि अब तक इस साइफर कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग हुई है, जो भी इसमें बयान रिकॉर्ड हुए हैं, जो भी इसने काम किया है, वो सारा का सारा नल एंड वॉइड हो जाता है। लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने इसी साइफर कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट को 30 दिन में इसको वाइंड अप करने का हुक्म दे दिया। दूसरा जो पॉइंट है इस्लामाबाद डिविजनल बेंच के सामने कि क्या जेल के अंदर ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको दर्जनों दफा, अगर सैकड़ों दफा नहीं तो ये एक्सप्लेन किया है गुज़िश्ता एक बरस में कि पॉलिटिक्स के पावर डायनेमिक्स मैटर करते हैं, लॉ की स्पिरिट जो है वो मैटर नहीं करती, और पाकिस्तान जैसे पसमानदा लीगल सिस्टम्स के अंदर तो लॉ की बिल्कुल भी सिरे से कोई हैसियत ही नहीं है। तो जाहिर है कि डिविजनल बेंच कभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकेगा कोई फैसला करे कि जेल में ट्रायल नहीं होना चाहिए, वो ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मेहरबानी ये कर सकता है कि वो कहे कि बैन अलावामी और नेशनल मीडिया के लिए ये ट्रायल जो है वो ओपन हो, क्योंकि आप ये ट्रायल एक कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट हो गए। बहरहाल 16 तारीख को मेरा ख्याल है एक दिन के बाद, अगले दिन या आज के दिन, इस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने दोबारा अपनी हियरिंग को रिज्यूम करना है, तब हम देखेंगे कि वहां पर क्या होता है। अब आ जाते हैं उस डेवलपमेंट पे जहां पर पीटीए पत्ता पत्ता बूटा बूटा तो हाल हमारा जाने हैं, गुल ही क्या है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा तो हाल हमारा जाने हैं, बाग तो सारा जाने, सर सर पत्ता पत्ता बूटा बूटा तो हाल हमारा जाने हैं, बहरहाल मुझे भूल गया है, अब ये भूल जाता है ऐसी चीज़ें, इसी चीज़ को वैसे बहुत लोग इंपॉर्टेंट दे देंगे। बहुत यह है कि पीटीए ने वहाँ पे आके बाबर सत्तार को ये कहा कि माई बाप हम बेकसूर हैं, हमें नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर फोन टैपिंग जो है वो कौन कर सकता है। बाबर सत्तार ने टू हिज क्रेडिट बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चनिंग वहाँ पे उन्होंने फ्रेम की भी है पीटीए के लिए, उन्होंने उसमें पीटीए को भी कहा हुआ है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स का जो ऑफिस है पीएमओ उसको भी कहा हुआ है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और एफआईए को भी कहा हुआ है कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो टेलीफोन कॉल्स हैं इनको कौन रिकॉर्ड कर सकता है कि इनके पास कैपेसिटी है। मेरा ख्याल है सबको पता है कि सिर्फ फरिश्तों के पास इसकी कैपेसिटी है, किसी और के पास नहीं है, ना पंजाब पुलिस के पास है, ना केपी पुलिस के पास है, ना इस्लामाबाद पुलिस के पास है, ना एफआईए के पास है, किसी के पास नहीं है। और दुनिया की किसी भी महजब जुरिस्ट्रिक्शन में आप टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोर्ट का एक सपीना और परमिशन जो है वो नहीं होती।
मुझे जब यहाँ पे थ्रेटनिंग मैसेजेस आते थे, मुझे कॉल्स आती थी, खामोशी रहती थी, थ्रेटनिंग मैसेजेस थे, मुझे मैसेजेस लिख के भेजा जाता था अफ्रीकन नंबर से, कीनियन नंबर से और नंबरों से, सेंट्रल एशियन नंबर से, कि तुम कैसे कर रहे हो, कैसा तुम दिन गुजर रहा है, कहाँ तुम रह रहे हो, इस तरह के कॉल्स मुझे आते थे। तो मैंने पहला काम ये किया कि मैंने अमरीकन सिटी पुलिस जो है उसको मैंने कॉल की, 911 को उनको मैंने बताया। उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा मेरा फ़ोन टैप करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा हम फ़ोन तो हम टैप नहीं कर सकते, बिकॉज मैं क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा दो वजह है, एक तो हमें परमिशन नहीं है, दूसरी बात है हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। ये तो सिर्फ सेंट्रल जो एजेंसीज हैं एफबीआई वगैरह की तरह, वो आपके फोन जो है वो टैप कर सकती हैं, और वहां पर भी कोर्ट से एक सपीना और परमिशन होगी तो टैप कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं कि ये टेक्निकल कैपेसिटी जो है ये किसके पास है और कौन टैप कर सकता है। जाहिर है जो टैप करता है, पहली डिसमिनेशन तो बाद में होगी ना, पहला तो इशू है कि टैप कौन कर सकता है। ये दो पिटिशन हैं, जिसमें एक पिटिशन जनाब वकील है एक साकिब निसार साहब के साहिबजादे, उनकी एक पिटिशन थी जो थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने। फिर फॉर्मर जो खातून अव्वल हैं जनाब बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया, उनकी एक दूसरी पिटिशन थी, जब उनकी एक कॉन्वर्जेशन जुल्फी बुखारी के साथ टैप कर ली गई, जो वो कहती हैं जो असल है ये नहीं है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन उनकी दूसरी पिटिशन है। इनको क्लब टुगेदर कर दिया था बाबर सत्तार साहब ने, ये वो केस है। असल में बाबर सत्तार साहब को चाहिए कि वो सेलुलर जो कंपनीज हैं, टेलीफोन कंपनीज हैं, जैसे टेलीनॉर है, जैसे जैज है, जैसे यूफोन है, उनके भी जो टेक्निकल हेड के डिपार्टमेंट हैं उनको भी बुला लें और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को भी बुला लें और उन्हें बताएं कि टैपिंग का और रिकॉर्डिंग का मैकेनिज्म क्या है और पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी थर्ड पार्टी। या पीटीए तो कह रहा है किसी को परमिशन हमने दी ही नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बोला है पीटीए ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने। हर रियासत के अंदर एक या दो ऐसी एजेंसीज होती हैं, जैसे अमेरिका में एफबीआई है, अमेरिका के अंदर सीआईए के पास की कैपेबिलिटी है, अमेरिका के अंदर एनएसए के पास की कैपेबिलिटी है, एक दो और ऐसी एजेंसीज हैं उनके पास ये टेक्निकल कैपेसिटी तो है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तो कोई बता ही नहीं रहा कि किसके पास टेक्निकल कैपेसिटी। बहरहाल चलें इससे आगे चलते हैं, मारें गोली इसका क्या होना है। अगला जो डेवलपमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब इज टोटली ऑब्सेस्ड विद फैजाबाद धरना। वैसे 2022 और 23 में और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं और टीएलपी ने सिर्फ वो 2017 का नवंबर 2017 का ही धरना नहीं दिया था टीएलपी ने। टीएलपी ने इमरान खान की हुकूमत की फटियां पन्ने के लिए और इमरान खान की हुकूमत को बेदस्तोपार करने के लिए और ये कहने के लिए कि जब उनको जरूरत पड़ती थी जनरल बाजवा साहब को, तो टीएलपी सड़कों पे आ जाती थी और फ्रांस के एम्बेसडर का मुतालबा शुरू कर देती थी कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल दें, और हर स्टेप एंड स्टेज पे इमरान खान की हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर करने के लिए टीएलपी को इस्तेमाल किया गया। लेकिन इन द इन्फिनिट विजडम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, काजी फायज ईसा साहब सिर्फ 2017 के धरने के अंदर टनल खोद रहे हैं, खोद रहे हैं, खोद रहे हैं, खोद रहे हैं कि उसमें कहीं उनको आगे जाके कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसमें एक्स डीजीआईएसआई जो जनरल फैज हमीद है वो किसी तरह से उनकी गिरफ्त में आ जाए। कम से कम बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट यही लगता है, तासुर इसका ये और बात है कि इन द कोर्स ऑफ ऑल दिस डिस्कशन चीफ जस्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स भी ले डाउन करना चाह रहे हैं कि किस तरह से रियासत की एजेंसीज यूज हो सकती हैं, कौन ये करता है, कौन फलां चीज करता है, किसने टीएलपी को फाइनेंशियल हेल्प दी। लेकिन इसका नतीजा क्या निकल सकेगा, इसलिए कि जनरल फैज हमीद उस वक्त महज डीजीसी काउंटर इंटेलिजेंस थे एक मेजर जनरल की हैसियत से, और लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, वेरी डिसेंट मैन, वेरी एजुकेटेड मैन, वो उस वक्त डीजीआई थे। चूंकि जनरल नवीद मुख्तार के साथ उस वक्त की आर्मी चीफ की बन नहीं रही थी, तो आर्मी चीफ आईएसआई के अंदर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑपरेट कर रहा था थ्रू द डीजीसी, जिनको वो उठा के पन्नू अकल से लाए और उन्होंने उनको एम्पावर कर दिया विद इन द एजेंसी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, थोड़ी सी डॉट कनेक्टिंग करें कि जब आर्मी चीफ ने डीजीसी को एम्पावर किया और डीजीसी सारे फैसले कर रहा था, इसका मतलब है डीजीसी जो भी फैसले कर रहा था, धरना करा रहा था या नहीं करवा रहा था, राइट साइड से कसूना मारा था, लेफ्ट साइड से कसूना मारा था, डीजीसी एक जूनियर ऑफिसर था, जो कुछ कर रहा था अपने आर्मी चीफ के प्लेजर में, उसकी ब्लेसिंग और उसके अप्रूवल से कर रहा था। अभी हालात इतने बुरे नहीं हुए हैं कि डीजीसी जो है वो तन तनहा धरने कराता फिरे। तो फिर क्या काजी फायज ईसा साहब जो है, वैसे तो उन्होंने जो पहली कमेटी बनी थी, बातें तो बड़ी सख्त कर रहे हैं, उन्होंने जो पहली कमेटी बनाई थी फेडरल गवर्नमेंट ने, जिसमें तीन एडिशनल सेक्रेटरी थे, एक डिफेंस का था, एक इंटीरियर का था, एक पता नहीं किसी और का था,
तो उसको उन्होंने रद्द कर दिया और अब एक कमीशन बनाया है फेडरल गवर्नमेंट ने, जिसमें एक दो रिटायर्ड आईजीपी हैं और एक एडिशनल सेक्रेटरी है इंटीरियर के। और कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया है कि इस कमीशन टोटली एम्पावर्ड है, ये आर्मी चीफ को बुला सकता है, चीफ जस्टिस को बुला सकता है, इसका मतलब डीजीआई को भी बुला सकता है, किसी को भी बुला सकता है और मामले की खोज तक जा सकता है। लेकिन क्या ये कमीशन इंक्वायरी करेगा एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से? क्या जनरल बाजवा साहब तो एक से ज्यादा दफा मीडिया को भी बता चुके हैं इसके धरने के हवाले से कि मैं दुबई में था, ये तो दो दफा तो मैंने खुद उनको सुना है कि जनरल बाजवा ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये कहा कि मुझे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं दुबई में था, उन्होंने मुझे कहा कि फौज की हमें जरूरत पड़ेगी इस्लामाबाद के धरने को, फैजाबाद के धरने को खत्म करने के लिए, और मैंने उनको ये कहा, जनरल बाजवा ने ये कहा, और ये बड़ी कन्विंसिंग बात थी। जनरल बाजवा ने कहा देखिए फौज के पास लाठी नहीं होती, आंसू गैस नहीं होते, डंडे नहीं होते, फौज तो जो है वो फिर आई भी गोली चला देगी और हम नहीं चाहते कि इस्लामाबाद के अंदर ऐसा हो, आप नहीं चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे, तो हम इसका कोई हल निकालते हैं। उसके बाद आईएसआई ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, फेडरल गवर्नमेंट से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत से इन राइटिंग एक परमिशन ली कि आप हमें इजाजत दें कि हम टीएलपी के साथ किसी भी किस्म के मुजाकरात कर सकते हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स थोड़े से बता रहा हूं, वो ड्रामा उसमें था, ड्रामा ठोकोसा जो भी उसमें था, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक रिटन परमिशन ली एंड इन लाइट ऑफ द रिटन परमिशन उन्होंने टीएलपी के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिस एग्रीमेंट के ऊपर जनरल फैज हमीद ने एसडीजीसी साइन किए। जब उन्होंने उसके बाद साइन किए तो फौज के अंदर इसकी बड़ी तनकीद हुई कि ये आपने क्या कर दिया, एज सर्विंग ऑफिसर आपने एक एग्रीमेंट कर दिया एक दहशतगर्द किस्म की एक इंतहा पसंद जमात से, उसके ऊपर अपने अपने साइन कर दिए। लेकिन उस वक्त उनकी बचत ऐसे हो गई कि एक और बहुत ही बेचारे बेवकूफ़ कहें इसको, इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं आ सकता, जो डीजी रेंजर्स थे उन्होंने जाके 13 लोगों में अंदर हजार हजार रुपये बांट दिए। उसके बाद एक नई कहानी बन गई जब डॉन के एक रिपोर्टर ने उनकी एक वीडियो अपने फ़ोन से बना ली, तो नई कहानी बन गई कि चूंकि उन्होंने 13 लोगों को एक एक हज़ार रुपये दिया, 13,000 रुपये, तो इससे साबित हो गया कि यही लोगों को लेकर आए थे। असल मसला ये था कि उस एग्रीमेंट के ऊपर जनरल फैज ने साइन किए हुए थे। अब इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगले चंद दिनों में पता का। अभी इतना ही, स्टे इन टच विद मी, अगर मैंने कोई ज्यादा सख्त बात कर दी है तो आई मस्ट अपोलोजाइज, लेकिन मुझे आप पे भी बड़ा तरस आता है, अपने ऊपर भी बड़ा तरस आता है। थैंक यू।